ये यूपीआई ऑटो पे क्या है? पहले हेडफोन निकालो, समझाती हूँ। अगर किसी को OTT या म्यूजिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, यूटिलिटी बिल्स या इंश्योरेंस पेमेंट भरना हो, स्कूल फीस, EMI या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, तो ऐसे ही नॉनस्टॉप ऑटोमेटिक पेमेंट्स के लिए ही UPI ऑटोपे बना है, और इससे लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मतलब ड्यू डेट याद नहीं रखना, नाउ UPI ऑटोपे से लाइफ है वाओ। पर इसे यूज कैसे करते हैं? अपना सब्सक्रिप्शन या बिल का प्लान मर्चेंट ऐप से सिलेक्ट करो। ये प्लान ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या डेली अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करो, लेकिन ये प्लान बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना। उसके बाद पेमेंट मोड में UPI सेलेक्ट करो और अपना UPI ID डाल दो। और हाँ, पेमेंट कंप्लीट करने से पहले मर्चेंट के सारे डिटेल्स जरूर वेरीफाई करना, और UPI ऑटो पे पर तुम कभी भी पेमेंट्स पॉज या स्टार्ट कर सकते हो। आपने तो पूरा लेक्चर ही दे दिया। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। ये UPI सेफ्टी शील्ड टिप आप ही याद रखिए। जब अपने बैंक से 24 घंटे पहले प्री डेबिट नोटिफिकेशन आएगा तो उसे ध्यान से चेक करिए, और डेबिट के बाद जो SMS आएगा उसे भी उतने ही ध्यान से चेक करिए।